ए दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम Xiaomi Mi 7 के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर आपको इंडिया में Xiaomi का Mi 7 देखने को मिल सकता है शायद। तो यहाँ पर हम Xiaomi Mi 7 की स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, क्या इसमें आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं, फुल स्पेसिफिकेशन इन हिंदी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉन्च डेट आप देख लीजिए, अगस्त में बताई जा रही है 9/2018। तो यहाँ पर अभी फिक्स नहीं है, अनऑफिशियल देख सकते हो। आपको यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि अगस्त को हो सकता है लॉन्च इंडिया में। और यहाँ पर आप देख सकते हो Mi 7, और कलर की बात करें तो यहाँ पर आपको गोल्ड, ग्रे, सिल्वर देखने को मिल जाते हैं। और वहीं बात करें डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन साइज मिल जाती है 6.1 इंचेस की। और यहाँ पर आप बात करें, नीचे आते हैं और परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पर आपको Qualcomm का स्नैपड्रैगन 845 जो कि लेटेस्ट 845 मिल जाता है। अगर आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको देख सकते हो रैम मिल जाती है, 6GB की रैम मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी रैम है। और स्टोरेज की बात करें तो इंटरनल मेमोरी आपको 64GB मिलेगी, एक्सपेंडेबल मेमोरी आपको नहीं दी जा रही है। और कैमरे की बात करें तो आपको जो है बैक कैमरा मिल जाता है 16MP प्लस 16MP डुअल प्राइमरी कैमरा, आपको डुअल कैमरा दिए जा रहे हैं पीछे की तरफ जो कि रहेंगे 16MP प्लस 16MP, दोनों कैमरा ही 16MP के रहेंगे। और ऑटो फोकस मिल जाता है आपको, फ्लैश डुअल कलर LED फ्लैश आपको डुअल लाइट में मिल जाता है फ्लैश। और वहीं बात करें, नीचे आते हैं और फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 13MP का। और वहीं बात करें बैटरी की, तो बैटरी इसमें थोड़ी कम दी जा रही है, तो आपको बैटरी दी जा रही है 3350 mAh की, बैटरी थोड़ी कम है और बाकी सब बहुत अच्छा है। आप स्नैपड्रैगन का देख सकते हो 845 दिया जा रहा है जो कि लेटेस्ट स्नैपड्रैगन माना जा रहा है। और वहीं बात करें तो यहाँ पर ऑडियो जैक 3.5mm का दिया जा रहा है यहाँ पर ऑडियो जैक। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है फ्रंट की तरफ, मतलब इसमें आपको बैक की तरफ नहीं दिया जा रहा है, इसमें आपको फ्रंट ही दिया जा रहा है। और इसमें आपको सपोर्ट microSD सपोर्ट नहीं करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट माइक्रो, डजंट सपोर्ट microSD, मतलब यहाँ पर USB सपोर्ट नहीं करेगा इसमें microSD। और वहीं बात करें सिम की, तो यहाँ पर आपको 4G वोल्टी सपोर्ट है इस मोबाइल में, तो क्योंकि अब सारे मोबाइल में ही आपको यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल सकता है शायद। और देखते हैं ये मोबाइल, अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, कि इस मोबाइल की प्राइस क्या हो सकती है। तो इस मोबाइल की प्राइस हो सकती है 27,000। तो यहाँ पर आपको अगर देखते हैं इंडिया में आएगा तो कितनी प्राइस हो सकती है, वैसे तो 27 हो सकती है प्राइस इसकी, 27,000 प्राइस हो सकती है। अब आगे देखते हैं अगर लॉन्च होता है इंडिया में तो कब तक आता है और कितनी प्राइस में आता है। अगर कम प्राइस में आता है तो Xiaomi मतलब यार कमाल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 845 मिल जाता है। तो देखते हैं कब तक आता है ये फ़ोन इंडिया में, और फ़िलहाल तो अभी वेट कीजिए आप इस फ़ोन के लिए, Xiaomi Mi 7 क्या पता आता है इंडिया में कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर Mi 6 भी ऐसे ही हुआ था, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था Mi 6। तो आप देखते हैं Mi 7 इंडिया में लॉन्च होता है या नहीं, और कब तक लॉन्च होता है और कितनी प्राइस में लॉन्च होता है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।